आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, हमारी तरफ से नमस्कार। किसान भाइयों के लिए हम आज सरसों का बीज लेकर आए, सरसों का बीज ऐसा बीज लेकर आए, हाईब्रिड किस्म का बीज लेकर आए जो बहुत अच्छा धाकड़ नाम से या सरसों आई हुई है। धाकड़ नाम के सरसों अभी किसानों ने बुआई नहीं किया है और बयार सीड्स कंपनी की या सरसों है। आप लोग सभी जानते हैं बयार कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट आते हैं और पूरी तरह ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही प्रोडक्ट होता है। तो बयार सीड के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो किसान भाइयों, पूरी तरह से हमारे साथ बने रहिए शुरू से आखिरी तक। पूरी जानकारी आप धाकड़ सरसों की बीज के बारे में बात की जाए या बहुत मजबूत सरसों होता है, बहुत उत्पादित सरसों होता है, इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो इसकी बात पहले नंबर पर बात की जाए, मोटे दाने होते हैं, इसमें मोटे दाने बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे हर एक सरसों के मुकाबले। या सरसों बहुत मोटा दाना होता है, मोटा दाने होने के कारण वजन इसका ज़्यादा बैठता है और उत्पाद भी ज़्यादा होता है। और इसकी दूसरे नंबर पे बात की जाए, लंबी शाखाएं और मोटी फलियां होती। लंबी शाखाएं मोटी फलियों के कारण से ही का कारण होता है, निचले भाग से इसमें फलियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। जो निचले भाग से जब फलियाँ आती हैं तो वह सरसों बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छा उत्पाद भी देखने को मिलता है। बहुत कम सरसों ऐसे होते हैं जो निचले ही भाग से फलियाँ आना स्टार्ट हो जाती, परंतु धाकड़ में ऐसा देखने को मिलता है। धाकड़ सरसों में निचली भाग से ही फलियाँ आती हैं। और नंबर तीन पर बात की जाए, इस सरसों की फलियाँ गिरती नहीं, क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है। जब देखा, बहुत से सरसों आपने देखा होगा जब फलियाँ पककर तैयार हो जाती खेत में ही फट जाती हैं और खेत में ही झड़ जाती हैं, तो उससे किसानों का बहुत नुकसान होता। परंतु इस सरसों में, धाकड़ सरसों में यह देखने को नहीं मिलता इसकी, क्योंकि फलियाँ ऊपर की छिलके बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए वह खेतों में इसका छिड़काव नहीं होता या खेतों में इसका बिखरता नहीं। यह सब इसमें ऐसी ऐसी खासियत है और अच्छा पैदावार भी देखने को मिलता है। नंबर चार पर बात की जाए, इसमें एक एकड़ में, प्रति एकड़ में लगभग आपको 1 किलो बीज का बुआई करना होता है, क्योंकि यह ऐसा सरसों होता है, अगर आपके खेतों में दूरी दूरी पर भी यह सरसों का पौधा आएगा, पौधा देखने को मिलेगा। 1 से 2 बार जब एक बार सिंचाई करते उसके बाद खाद का छिड़काव करेंगे, पूरी तरह से खेतों में या पूरी तरह से भर लेता, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके खेतों में सरसों दूरी दूरी हुई थी। ऐसा इसका पेड़ बनता है, ऐसा इसका पौधे का छिड़काव होता है कि पूरी तरह से वह आपके खेतों को कवर कर लेता है, जिससे ये भी कम बीज में अच्छा लाभ भी हो जाता है। और नंबर पाँच पर बात की जाए, अधिक उपज होता है। कुछ किसान भाई जब बुआई करते हैं तो कुछ आंकड़ा लगा लेते हैं कि हमारे में इतना कुंटल निकलेगा, इतना सरसों निकल जाएगा आपकी बार, परंतु आपके आंकड़े से अधिक निकलता है। इसमें धाकड़ सरसों की बीज की बुआई करेंगे, आपके आंकड़े से लगभग 10-15% भी एक्स्ट्रा आपका सरसों मिलता है। तो इससे किसान भाइयों को बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत लाभ होगा। किसान भाई एक बार इसे ज़रूर यूज करें, ऐसे सरसों को बोने से आपको लाभ पूरी तरह देखने को मिलता है। नंबर छः पे बात की जाए, परिस्थितियों के बारे में। परिस्थितियां आ जाती हैं जब मौसम ख़राब हो जाता है। सरसों के पौधे बहुत से आपने देखे भी होंगे, बुआई भी किए होंगे, कई बार आपके सरसों खेत में ही गिर जाते हैं, पूरी तरह आपके खेत में पूरी तरह से बिछ जाते हैं सरसों, परंतु ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इसका पौधा बहुत मजबूत होता और नीचे से जड़े पकड़े होता है, परंतु इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार बहुत बड़ा देखने को मिलता है। इस कारण से भी या आप सोचते होंगे कि गिर जाएगा, मौसम ख़राब परिस्थितियों में गिर जाएगा, परंतु इसका आकार बड़ा होने के कारण भी या सरसों खेतों में आपके गिरता नहीं। आप पूरी तरह सुरक्षित अपने धाकड़ सरसों का एक बार ज़रूर बुआई करें। किसान भाइयों, और कुछ जानकारी लेनी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आने वाले कल में सभी बीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप कमेंट में बताइएगा जिस बीज के बारे में आपको जानना होगा, हम आपको पूरी तरह से अवगत कराएंगे और पूरी तरह से आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।